न्यूज पेट्रोल सिर्फ सच। इस वक्त की ब्रेकिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी में बड़ा फेर बदल हुआ है। समाजवादी पार्टी में अब तक जिला अध्यक्ष रहे और अब जेल में बंद छबिनाथ यादव के भाई गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाया है। समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं गुलशन यादव। गुलशन यादव पहले कुंडा नगर पंचायत के चेयरमैन रहे हैं और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो कुंडा के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके खिलाफ विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हम आपको ये ब्रेकिंग बता रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी में बड़ा फेर बदल हुआ है और समाजवादी पार्टी ने सपा जिलाध्यक्ष छबिनाथ यादव के भाई, यानी जो पहले सपा जिलाध्यक्ष छबिनाथ यादव अब जेल में बंद है, उनके भाई को समाजवादी पार्टी का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाया है। साथ ही अब्दुल कादिर जिलानी जो पहले महासचिव थे, जिला महासचिव थे, उनका पद बरकरार रखा गया है। इस तरह से अब्दुल कादिर जिलानी को जिला महासचिव बनाया गया है और गुलशन यादव को हम बात कर रहे हैं, गुलशन यादव की जो कुंडा में चर्चित है, प्रतापगढ़ में चर्चित हैं और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद चर्चा में आए थे, वो चेयरमैन रहे हैं कुंडा के और साथ ही उनकी पत्नी जो सीमा यादव कुंडा से चेयरमैन की प्रत्याशी रही हैं इस चुनाव में, उनकी हालांकि पराजय हुई, उसके बाद भी उनको जिला अध्यक्ष का पद दिया गया। हम आपको एक खबर बता रहे हैं प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी से। साथ ही महिला मोर्चे की बात करेंगे। महिला मोर्चे में जहाँ पूर्व ब्लॉक प्रमुख शांति सिंह को महिला मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष शांति सिंह को बनाने के साथ उनको तोहफा दिया गया है। शांति सिंह इससे पहले सक्रिय रही हैं समाजवादी पार्टी में, लगातार सक्रिय रही हैं। शांति सिंह भी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के बगावती खेमे की मानी जाती हैं। इस तरह से हम बात करें तो शांति सिंह पहले समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य रही हैं और समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य के साथ प्रतापगढ़ में सदर की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही हैं, उनको महिला मोर्चे का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। शांति सिंह को जिलाध्यक्ष बनाने के साथ ही गुलशन यादव को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बनाया गया है। दोनों बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के जो विरोधी खेमे हैं उनको समाजवादी पार्टी ने तवज्जो दी है। और कुंडा में गुलशन यादव जो आपराधिक किस्म के माने जाते हैं और गुलशन यादव पर 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, कुछ मामलों में चुनाव के दरमियान जो मामले हुए थे उसमें जिसमें डकैती और छेड़छाड़ जैसे मामले लगे थे उसमें गुलशन यादव वांछित भी बताए जाते हैं। इसके बाद भी गुलशन यादव को एक पद दिया गया, ये भी चर्चा का विषय है। लेकिन आपको एक खबर बता रहे हैं जहाँ प्रतापगढ़ में गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाया है, अब्दुल कादिर जिलानी का पद बरकरार रखा गया, उनको जिला महासचिव बनाया गया और शांति सिंह को जिला महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनाया गया है।